हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्षा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नर्सिंग बूस्टर पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी। बेसिक्स हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि जब हमारा बेसिक जो एक लेवल है वो क्लियर होगा तो फिर आगे हमें बाकी चीज़ें समझने में बहुत ईजी रहता है। और जनरली आज के टाइम पर जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, फिर चाहे वो एम्स का नॉर्सेट एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, उसमें भी काफ़ी वन लाइनर बेसिक्स से क्वेश्चन आते हैं। 25 to 30 मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और जनरली भी अगर हमें कोई भी आगे भी चीज़ें समझनी हैं तो अगर हमें बेसिक्स पता होंगे तो हम उनको ईजीली समझ पाएंगे, ठीक है। तो जो आज की वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे हमारी ह्यूमन बॉडी में जो टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होती हैं और क्या क्या कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे, और हमारी ह्यूमन बॉडी के जो एक्सेस एंड प्लेन्स हैं उनको भी जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी बॉडी की एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। ह्यूमन बॉडी की एक एनाटॉमिकल पोजीशन होती है जिसको माइंड में रख के, यानी कि जिसे हम एक एज अ रेफरेंस पोजीशन यूज़ करते हैं, और इसी के ज़रिए फिर हम बाकी की चीज़ें जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको भी हम बहुत ईजीली समझ पाएंगे, ठीक है। ये फ़ोटो आपने ज़रूर कहीं ना कहीं तो देखी होगी, एनाटॉमी की बुक हो चाहे कोई और मेडिकल बुक क्यों ना हो, क्योंकि इस पोजीशन को एज अ रेफरेंस पोजीशन मानते हैं कोई भी ऑर्गन्स, बॉडी के स्ट्रक्चर्स उनको समझाने के लिए, या कोई भी बॉडी की मूवमेंट या डायरेक्शंस पता करने के लिए, ठीक है। तो जो ह्यूमन एनाटॉमिकल पोजीशन है इसमें पर्सन जो है वो एकदम स्ट्रेट खड़ा होगा, उसके हैंड्स और लेग्स एकदम स्ट्रेट होंगे, पैरेलल पोजीशन में होंगे, हेड एकदम नेक, जो हेड है एकदम मिड लाइन में होगा, नेक एकदम मिड लाइन में होगी, और जो फिंगर्स और थंब है वो एकदम स्ट्रेट होंगे, पॉइंटेड, ठीक है। और टोज भी एकदम फॉरवर्ड पोजीशन में होंगे, सामने की तरफ को एकदम स्ट्रेट। तो ये जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे हमारे ह्यूमन बॉडी के प्लेन्स। अब प्लेन्स से हमारा मतलब क्या है? प्लेन्स से हमारा मतलब है कुछ ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी को डिवाइड करती है कुछ अलग अलग पार्ट्स में। तो सबसे पहला है हमारा सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन को हम मीडियल प्लेन भी बोलते हैं। अब जब हम इसको मीडियन प्लेन बोलते हैं तो मीडियन के नाम से समझ जाइए मिडल, ठीक है। मिडल यानी कि बीच से, तो ये ह्यूमन बॉडी को डिवाइड करता है बीच में से, इक्वली राइट और लेफ्ट पार्ट्स में, इसीलिए इसको हम मीडियन प्लेन भी बोलते हैं और सजाइटल प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। मिड सजाइटल प्लेन भी बोल सकते हैं, अगर क्वेश्चन में आता है मिड सजाइटल प्लेन, तो मिड सजाइटल प्लेन भी हमारी बॉडी को क्या करता है, राइट और लेफ्ट इक्वली डिवाइड करता है पार्ट्स में। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं, और ट्रांसवर्स प्लेन हमारी बॉडी को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि एक इस तरह आड़ी लाइन खींचती है, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन खींचती है जो कि बॉडी को अपर में और लोअर में डिवाइड कर देता है, ऑल्सो नोन एज ट्रांसवर्स प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। नेक्स्ट है हमारा कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन जो है एक इमेजिनरी लाइन जो कि बॉडी को डिवाइड करती है एंटीरियर में और पोस्टीरियर में, यानी कि आगे की तरफ को अलग और पीछे की तरफ को, ठीक है। तो रिवाइज कर लेते हैं, टोटल 3 प्लेन्स हैं। पहला है हमारा सजाइटल प्लेन, सजाइटल प्लेन विच इज़ आल्सो नोन एज मीडियन प्लेन, ये बॉडी को डिवाइड करता है इक्वली राइट और लेफ्ट पार्ट में। देन है ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल प्लेन जो कि बॉडी को डिवाइड करता है अपर और लोअर पार्ट्स में। थर्ड है कोरोनल प्लेन जिसको हम फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं, और ये हमारी बॉडी को डिवाइड करता है एंटीरियर और पोस्टीरियर में, ठीक है। नेक्स्ट हम समझेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को, और ये हमारी हेल्प करती हैं फिर फर्दर बॉडी पार्ट्स का एक दूसरे से क्या रिलेशन है पोजीशंस के अकॉर्डिंग उसको समझने में। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे सुपीरियर क्या है।
सुपीरियर का मतलब है टूवर्ड्स हेड, यानी कि ऊपर की तरफ को, हेड हमारा ऊपर है, तो हम हेड को एक एग्जांपल में ले लेते हैं, हमारा सर जो है वो ऊपर होता है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा एब्डोमेन है और हमारा नेक है, तो एब्डोमेन और नेक में से सुपीरियर कौन हुआ, हमारी नेक, नेक जो है हमारी हेड की तरफ को है, दैट इज़ वाई इट इज़ सुपीरियर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन्फीरियर, इन्फीरियर होता है नीचे की तरफ को, यानी कि फीट की तरफ को, इसके एग्जांपल में हम ले लेते हैं हमारा एब्डोमेन और हमारी नीज़, तो हमारी नीज़ जो हैं वो इन्फीरियर है एब्डोमेन के, क्योंकि वो नीचे की तरफ हैं, ठीक है। तो जो बॉडी पार्ट्स ऊपर की तरफ यानी कि हेड की तरफ हैं उनको हम बोलते हैं सुपीरियर, जो बॉडी पार्ट्स या जो बॉडी स्ट्रक्चर नीचे की तरफ यानी फीट की तरफ है उनको हम बोलते हैं इन्फीरियर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है मीडियल। अब मीडियल क्या है, मीडियल यानी कि मिडल, मिडल यानी कि बीच में से, तो एक इमेजिनरी लाइन जो कि ह्यूमन बॉडी को बीच में से डिवाइड करती है राइट और लेफ्ट पार्ट में, उसको हम बोलते हैं मीडियल। मीडियल का एग्जांपल हम समझ लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी जो नोज़ है वो नोज़ कहाँ है, मीडियल है, और किसके मीडियल है, ईयर्स के मीडियल है, लेफ्ट और राइट दो ईयर्स है हमारा, एक लेफ्ट ईयर है एक राइट ईयर है, उसके बीच में नोज़ है, तो नोज़ क्या हुई, मीडियली लोकेटेड हुई, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लेटरल। अब मीडियल के जो ऑपोजिट बॉडी स्ट्रक्चर्स लोकेटेड है यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड अवे फ्रॉम द मिड लाइन, उसको हम बोलते हैं लेटरल। लेटरल में हमारे एग्जांपल आ जाते हैं हमारे हैंड्स और हमारे फीट, तो हमारे जो हैंड्स हैं वो लेटरली लोकेटेड हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हमारी जो नोज़ है उसकी लेटरली हमारी आईज़ आती हैं, यानी कि राइट और लेफ्ट साइड क्या है, आईज़, तो वो बॉडी ऑर्गन्स जो कि मिड लाइन के अवे हैं यानी कि उससे दूर हैं, साइड्स में हैं, उसको हम बोलते हैं लेटरल। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉक्सिमल और डिस्टल। अब प्रॉक्सिमल और डिस्टल समझने के लिए एक ट्रिक है कि पी से प्रॉक्सिमल है तो पी से पास, पास यानी कि वो बॉडी ऑर्गन जो कि मिडलाइन के पास है, ठीक है, मिडलाइन के पास, यानी कि एग्जांपल से समझते हैं, ये जो हमारी ह्यूमरस बोन है, ये ह्यूमरस बोन का जो प्रॉक्सिमल एंड होगा वो स्कैपुला से जुड़ेगा, यानी कि इसका जो पास वाला एंड है जो कि मिडलाइन के पास है वो कहाँ से जुड़ता है, स्कैपुला से, और वहीं डिस्टल को हम डी से याद रखेंगे, दूर, जो कि मिडलाइन से क्या है, दूर। आपको एनाटॉमिकल पोजीशन को माइंड में रखना है और एक बीच में मिडलाइन ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज बहुत ही ईजी लगेंगी समझने में, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल जो कि मिडलाइन के पास है और डिस्टल जो कि मिडलाइन से दूर है। डिस्टल का एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जो ह्यूमरस का डिस्टल एंड है वो अल्ना और रेडियस से जुड़ जाता है, ठीक है। प्रॉक्सिमल यानी कि पास, डिस्टल यानी कि दूर, दूर जाना, तो जो दूर वाले ऑर्गन्स है मीडियम मिडलाइन से। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सबसे पहले है हमारा सुपीरियर, सुपीरियर यानी कि ऊपर की तरफ टुवर्ड्स अवर हेड, देन है हमारा इन्फीरियर यानी कि नीचे की तरफ टुवर्ड्स अवर लेग्स, फिर है मीडियल, मीडियल यानी कि मिड लाइन, लेटरल अवे फ्रॉम द मिड लाइन, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल यानी कि टुवर्ड्स द मिड लाइन, ठीक है, नियरेस्ट मिड लाइन, मिड लाइन के पास, वहीं डिस्टल होता है अवे फ्रॉम द मिड लाइन यानी कि मिड लाइन से दूर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारी बॉडी की मूवमेंट्स, ठीक है। तो बॉडी की मूवमेंट्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं एबडक्शन और एडक्शन क्या है। तो एबडक्शन और एडक्शन को याद करने की भी एक बहुत इजी ट्रिक है। एडक्शन में आप देखो लिखा हुआ है स्टार्टिंग में ए डी डी एड, तो एडक्शन यानी कि ऐड करना यानी कि प्लस करना, प्लस करना यानी कि बॉडी की तरफ को लाना। मैंने अभी बताया था पिछली स्लाइड में कि हमें हमेशा एनाटॉमिकल पोजीशन को ध्यान में रखना है और एक मिड लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज बहुत आसान से समझ में आ जाएंगी आपको। तो एडक्शन यानी कि प्लस करना मतलब मिड लाइन की तरफ को लाना, अपनी बॉडी की तरफ को लाना, वहीं एबडक्शन इसका ऑपोजिट होता है जिसका मतलब है माइनस करना यानी कि बॉडी से दूर ले जाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है घुमाना, इसके में भी दो टाइप हैं, लेटरल रोटेशन और मीडियल रोटेशन। लेटरल रोटेशन क्या है, लेटरल रोटेशन है बॉडी से
दूर ले जाना, जबकि मीडियल रोटेशन है बॉडी की तरफ ले जाना। सब कुछ वही है, इसमें भी हम मिड लाइन ड्रॉ करके समझ लेते हैं इसको। तो लेटरल रोटेशन में क्या होगा कि जो बॉडी पार्ट है वो हमारी बॉडी से हम दूर ले जाएंगे, बाहर की तरफ को ले जाएंगे, जबकि मीडियल रोटेशन में हम उस बॉडी पार्ट को, उस ऑर्गन को अपनी बॉडी की तरफ को लाएंगे, यानी कि अंदर की तरफ को लाएंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं जीआईएफ की हेल्प से। यहाँ पर एबडक्शन और एडक्शन समझाया जा रहा है। ये हैंड अब बॉडी के पास आ रहा है, मिड लाइन के पास, एडक्शन, और अभी ये बॉडी से दूर जा रहा है, तो दैट इज़ एबडक्शन। आप देख लो ध्यान से, पास आएगा तो एडक्शन ऐड हो रहा है, दूर जा रहा है तो एबडक्शन यानी कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है। इसे इस ट्रिक से हम इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रोटेशन। रोटेशन का भी एग्जांपल दिया हुआ है मैंने आपको समझने के लिए इजीली। तो ये हमारा लेटरल रोटेशन हो रहा है हिप का। देखो बॉडी से दूर जा रहा है, लेटरल रोटेशन था बॉडी से अवे ले जाना, मिड लाइन से दूर ले जाना, जबकि मीडियल रोटेशन था मिडल के पास ले जाना, यानी कि मिड लाइन के पास लाना, बॉडी की तरफ को लाना। तो अभी ये बोन जो है ये बाहर को जा रही है, यानी कि ये लेटरल रोटेशन है। नेक्स्ट हमारी दूसरी बॉडी मूवमेंट्स हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आपने ये वर्ड्स बहुत कॉमनली सुने ही होंगे, ठीक है, ये बहुत ही ईजी हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं फ्लेक्शन क्या है। फ्लेक्शन जो है इसके अंदर जो दो बोन्स हैं उसके बीच का एंगल डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हम उनको पास लेके आते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल से समझते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमारा जो एल्बो जॉइंट है, ठीक है, जब हम नी बेंड, हमारी नी, हमारा जो नी जॉइंट है, जब हम एल्बो को बेंड करते हैं, हमारा जब हम एल्बो को बेंड करते हैं तो हमारा हाथ जो है वो पास में आएगा। ठीक है, जब हाथ हमारा पास में आएगा तो एंगल जो है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। वहीं जब हमारी नी है उसको हम बेंट करेंगे तो ये एंगल जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लेक्शन का मतलब है जब दो बोन्स के बीच में एंगल डिक्रीज होगा, यानी कि हम उसको अपनी मिड लाइन के पास ला रहे हैं, अपनी बॉडी के पास ला रहे हैं। और एक्सटेंशन इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। एक्सटेंशन में हम मिड लाइन से उस बॉडी ऑर्गन को, चाहे वो हमारा हैंड हो चाहे वो हमारा लेग हो, उसको दूर ले जाते हैं। ठीक है, अब जब हम दूर ले जाएंगे तो एंगल इंक्रीज होगा। इसको आप खुद भी करके देखो, आप अपने हाथ को अपने पास जब लाएंगे बॉडी के, तो आपके जो हैंड है उसका जो एल्बो जॉइंट है उसके बीच में स्पेस कम होगी, क्योंकि एंगल जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। वहीं जब आप अपने हाथ को अपनी बॉडी से दूर ले जाओगे तो एंगल जो होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, होप आपको फ्लेक्शन और एक्सटेंशन अब समझ में आ गया होगा। इसके एग्जांपल्स भी हैं, देखो ये हाथ जो है इसी तरह दूर जा रहा है तो एक्सटेंशन, पास आ रहा है तो फ्लेक्शन, एंगल बढ़ रहा है एक्सटेंशन में और एंगल कम हो रहा है फ्लेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। अब डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन क्या है, सुनने में बहुत हार्ड है बट हार्ड समझने में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, डॉर्सी फ्लेक्शन क्या है, तो डॉर्सी फ्लेक्शन है जब हम अपने टोज़ को, यानी कि हमारा जो फुट है उसके टोज़ को या अपने पैर को ऊपर की तरफ को करते हैं, ऊपर यानी कि अपनी बॉडी की तरफ को लाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन। वहीं जब हम अपने पैर को नीचे की तरफ को, यानी कि अपनी बॉडी से दूर तरफ को ले जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। अब ये ज़रूरी नहीं है पैर में ही हो, ये हमारे हाथ में भी हो सकता है। अब अपने हाथ को अपनी बॉडी की तरफ को लाओगे तो उसको हम बोल देंगे डॉर्सी फ्लेक्शन। जब बॉडी से दूर ले जाएंगे तो दैट विल बी नोन एज प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, इसके ज़रिए आप समझ सकते हो प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन है क्या। ठीक है, इसमें भी सेम एंगल इंक्रीज और डिक्रीज होता है। अब जब आप बॉडी से दूर ले जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बॉडी से पास ले जा रहे हैं, प्लांटर फ्लेक्शन होता है जब हम अपनी बॉडी के मिड लाइन से अपने फुट को दूर ले जाते हैं तो वहाँ पर एंगल जो है वो बढ़ता है, वहीं जब हम पास ले जाते हैं तो एंगल जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम समझेंगे सिफेलिक या क्रेनियल क्या है, कॉर्डल क्या है। आपने सुना होगा सिफेलो कॉर्डल पोजीशन में होता है फीटस, है ना, तो क्या चीज़ है आखिर वो, तो हम समझते हैं।
सिफेलिक क्या है? सिफेलिक यानी कि हमारा हेड की तरफ को, हमारा सुपीरियर क्रेनियल ऊपर की तरफ को, ठीक है। तो ये जो हेड की तरफ को है इसको हम बोलते हैं सिफेलिक। वहीं कॉडल क्या है? कॉडल है टेल की तरफ को, यानी कि नीचे की तरफ को, ठीक है। सिफेलिक और कॉडल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सिफेलिक यानी टुवर्ड्स द हेड एंड कॉडल यानी टुवर्ड्स द फीट और टुवर्ड्स द टेल। फिर दूसरी टर्म्स है हमारी वेंट्रल और डॉर्सल। वेंट्रल और डॉर्सल सेम टू सेम एंटीरियर और पोस्टीरियर की तरह है। एंटीरियर यानी कि होता है हमारा टुवर्ड्स द चेस्ट, आगे वाला साइड, और डॉर्सल होता है हमारा बैक यानी कि पीछे वाला साइड, ठीक है। अब चाहे हम उल्टा खड़े हो जाएं तो उल्टा खड़े होने पे भी हमारा एंटीरियर जो है वो हमारा चेस्ट ही रहेगा, वेंट्रल जो है वो चेस्ट ही रहेगा और डॉर्सल जो है वो बैक ही रहेगा, ठीक है, पोस्टीरियर रहेगा। तो हमेशा जब हमें ये चीज़ें समझनी है हमें एनाटॉमिकल पोजीशन को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रोस्ट्रल क्या है और कॉडल क्या है, ठीक है। तो रोस्ट्रल क्या है और कॉडल क्या है? रोस्ट्रल होता है हमारा जो हेड की तरफ को जा रहा है, यानी कि नोज़ की तरफ को। तो यहाँ पर इस तरफ को जो जा रहा है, तो ये जो चीज़ें यहाँ पर जो ऑर्गेन्स इस तरफ को आएंगे दैट विल बी नोन एज रोस्ट्रल। वहीं जो बैक की तरफ को यानी कि पीछे की तरफ को, पैरों की तरफ को जा रहा है उसको हम बोलते हैं कॉडल, ठीक है। तो कॉडल और रोस्ट्रल भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। रोस्ट्रल इज़ जो हेड की तरफ या नोज़ की तरफ को जाता है और कॉडल इज़ जो फीट की तरफ को जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी हमने पढ़ा उनसे रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे। इससे ये होगा कि जो जो हमने अभी चीज़ें पढ़ी, जो भी टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी और बॉडी की मूवमेंट्स पढ़ी वो रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टुवर्ड्स द मिड लाइन, यानी कि इनमें से कौन सा है जिसका मतलब है मिड लाइन की तरफ। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मीडियल, सेकेंड ऑप्शन है लेटरल, थर्ड ऑप्शन है इन्फीरियर और फोर्थ ऑप्शन है पोस्टीरियर। तो मैंने आपको बताया था जो मिड लाइन की तरफ को होगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मीडियल, ठीक है। जो भी ऑर्गेन्स या जो भी स्ट्रक्चर्स मिड लाइन की तरफ को आते हैं दैट आर नोन एज मीडियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द हर्ट लोकेटेड इन रिलेशन टू द स्टर्नम, यानी कि जो हमारा स्टर्नम है उस स्टर्नम के रिलेशन में हमारा हर्ट कहाँ पर है हमारी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एंटीरियर, एंटीरियर का मतलब होता है आगे की तरफ को। सेकेंड ऑप्शन है पोस्टीरियर यानी कि पीछे की तरफ को। थर्ड ऑप्शन है सुपीरियर मतलब ऊपर टुवर्ड्स द हेड, और फोर्थ ऑप्शन है इन्फीरियर मतलब नीचे की तरफ को टुवर्ड्स द फीट। तो आपको पता ही है हर्ट कहाँ पर है, हर्ट स्टर्नम के पीछे है, यानी कि कहाँ पर है? पोस्टीरियर। तो इसका राइट आंसर है बी, पोस्टीरियर। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन कंसिडरिंग एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ लोकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द टर्म सुपीरियर, यानी कि जब हम एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ लोकेशन को ध्यान में रखते हैं जैसे कि सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियल, लेटरल, ये सारी हमारी एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ लोकेशन कहलाती हैं। तो जब हम इनको ध्यान में रखते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली कौन सी टर्म है जो कि सुपीरियर बताती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टुवर्ड्स द फ्रंट, सेकेंड ऑप्शन है क्लोजर टू इट्स ऑरिजिन, थर्ड ऑप्शन है अवे फ्रॉम द मिड लाइन, और फोर्थ ऑप्शन है हाइयर इन द वर्टिकल एक्सिस। तो मैंने आपको बताया था सुपीरियर का मतलब होता है टुवर्ड्स द हेड, यानी कि जो ऊपर की तरफ को है। तो ऊपर की तरफ को है तो इसका राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। पहले पहला ऑप्शन है टुवर्ड्स द फ्रंट, टुवर्ड्स द फ्रंट का मतलब हो गया आगे की तरफ को, तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है क्लोजर टू इट्स ऑरिजिन यानी कि जहाँ से शुरू हुआ है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है अवे फ्रॉम द मिड लाइन यानी कि मिड लाइन से दूर, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है हाइयर इन द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस यानी कि एक लाइन उसमें सबसे ऊपर। तो मैंने आपको बताया था सुपीरियर का मतलब होता है अपर, सबसे ऊपर टुवर्ड्स द हेड, तो इसका राइट आंसर होगा हाइयर इन द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू द एंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो,
यानी कि जो हमारा एम्ब्रियो है उसका एंटीरियर हम कौन सी टर्म को बोल सकते हैं इनमें से? तो फर्स्ट है हमारा डॉर्सल, सेकंड है हमारा वेंट्रल, थर्ड है हमारा क्रेनियल और फोर्थ है हमारा कॉडल। अब हम आपको याद हो तो मैंने स्लाइड दिखाई थी एम्ब्रियो की, जिसमें मैंने बताया था कि जो ऊपर का पार्ट है यानी कि जो हमारी हेड की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं क्रेनियल, जो हमारी फीट की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं कॉडल, जो हमारा आगे का फ्रंट का साइड होता है दैट इज़ नोन एज वेंट्रल, या फिर इसी को हम एंटीरियर भी बोलते हैं, और जो हमारा बैक का साइड होता है यानी कि डॉर्सल इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर। अब हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू द एंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो, यानी कि इन्होंने क्या पूछा है एंटीरियर, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा वेंट्रल, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ द एनाटॉमिकल पोजीशन इम्पॉर्टेंट व्हेन डिस्क्राइबिंग ह्यूमन एनाटॉमी। क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्यों ज़रूरी है जब भी हम ह्यूमन एनाटॉमी को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि जब हम ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते हैं तो हम एनाटॉमिकल पोजीशन को ही क्यों लेते हैं, कोई लेटे हुए पर्सन की पोजीशन या इधर उधर कोई भी पोजीशन क्यों नहीं लेते, एकदम स्ट्रेट ये सब चीज़ें क्यों लेते हैं? इसका ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है कि इट डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ मसल्स ऑन जॉइंट, सेकंड इट सब डिवाइड्स द ह्यूमन बॉडी, थर्ड इट प्रोवाइड्स अ कंसिस्टेंट रेफरेंस पॉइंट व्हेन डिस्क्राइबिंग एनाटॉमी, फोर्थ इट इज़ नॉट यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग एनाटॉमी। तो मैंने आपको बताया था कि जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो एक रेफरेंस पोजीशन की तरह काम करती है, यानी कि हम उसे ऐसा रेफरेंस यूज़ करते हैं जब भी हम कोई भी आगे सिस्टम पढ़ते हैं या कुछ भी समझते हैं, कोई भी टर्मिनोलॉजी समझते हैं, डायरेक्शंस मूवमेंट्स, तो उसके लिए हम एनाटॉमिकल पोजीशन को एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज़ करते हैं। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा, इसका राइट आंसर है कि इट प्रोवाइड्स अ कंसिस्टेंट रेफरेंस पॉइंट व्हेन डिस्क्राइबिंग एनाटॉमी, यानी कि ये जब हम एनाटॉमी को समझाते हैं या समझते हैं तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस इज नॉट अ फीचर ऑफ द स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन, यानी कि इनमें से कौन सा डिस्क्रिप्शन है जो कि एक स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन का फीचर नहीं है। स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन हमने बताई थी कि स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन में पर्सन जो है एकदम स्ट्रेट खड़ा होगा, उसके हैंड्स और फीट एकदम स्ट्रेट और पैरेलल होंगे, हेड एकदम न्यूट्रल पोजीशन में होगा, आईज़ उसकी नोज़ ये सब एकदम बराबर होंगे, नेक जो है वो मिड लाइन में होंगी, फिंगर्स पॉइंटेड होंगी नीचे की तरफ एकदम स्ट्रेट। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, हेड फेसिंग फॉरवर्ड्स, थंब पॉइंटिंग इनवर्ड्स, थर्ड है फीट पैरेलल एंड फोर्थ ऑप्शन है न्यूट्रल फेशियल एक्सप्रेशन। तो इन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ द स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और फिर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है देख लेते हैं। हेड फेसिंग फॉरवर्ड ये तो होता है, सामने देख रहा है हेड। दूसरा है थंब पॉइंटिंग इनवर्ड्स, यानी कि जो थम्ब्स हैं वो अंदर की तरफ को मुड़े हुए हैं। ठीक है, थर्ड है फीट पैरेलल, यानी कि पैर एकदम बराबर हैं। फोर्थ न्यूट्रल फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन एकदम न्यूट्रल है, तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा थंब पॉइंटिंग इनवर्ड्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक एनाटॉमिकल पोजीशन को डिस्क्राइब करती हैं, लेकिन थम्ब्स जो हैं वो इनवर्ड्स इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है जो कि एकदम गलत है। एनाटॉमिकल पोजीशन में थम्ब्स एकदम स्ट्रेट होते हैं और फिंगर्स भी एकदम स्ट्रेट होती हैं, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू अ लेफ्ट एंड अ राइट, यानी कि कौन सा प्लेन है जो कि बॉडी को एकदम लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कोरोनल प्लेन, सेकंड ऑप्शन है सजाइटल प्लेन, थर्ड ऑप्शन है ट्रांसवर्स प्लेन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन वो प्लेन है जो कि बॉडी को एकदम राइट और लेफ्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कोरोनल प्लेन क्या होता है? कोरोनल प्लेन जिसको हम फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं, ये बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है, और ट्रांसवर्स प्लेन जिसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं, ये हमारी बॉडी को अपर और लोअर पार्ट्स में डिवाइड करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि कौन सा प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता है बॉडी में, इमेजिनरी लाइन जिसके जरिए वो बॉडी को डिवाइड करता है। फर्स्ट ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल प्लेन, सेकेंड है सेजाइटल प्लेन, थर्ड ऑप्शन है ट्रांसवर्स प्लेन और फोर्थ है कोरोनल प्लेन। इसका राइट आंसर है ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन को ही हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी को अपर और लोअर पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द कोरोनल प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू? कोरोनल प्लेन जो है वो हमारी बॉडी को किस पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि राइट लेफ्ट में करता है, अपर या लोअर में करता है, किस में करता है, इन्होंने ये सवाल पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टॉप एंड बॉटम, सेकेंड है लेफ्ट एंड राइट, थर्ड है डायगोनल हाफ्स और फोर्थ है फ्रंट और बैक। तो हमने पढ़ा था जो कोरोनल प्लेन है, जिसको हम फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं, ये हमारी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें टॉप एंड बॉटम का मतलब तो हो गया ऊपर और नीचे, तो ये तो नहीं होगा। लेफ्ट एंड राइट ये भी नहीं होगा, सेजाइटल प्लेन डिवाइड करता है लेफ्ट एंड राइट में, डायगोनल हाफ्स भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा फ्रंट एंड बैक, यानी कि एंटीरियर और पोस्टीरियरली, आगे और पीछे, दो हिस्सों में डिवाइड करता है कौन सा प्लेन? कोरोनल प्लेन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रंटल प्लेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच टर्म रेफर्स टू अ मूवमेंट दैट डिक्रीजेज द एंगल ऑफ अ जॉइंट, यानी कि कौन सी टर्म है जो कि एक मूवमेंट के लिए है जिससे जो जॉइंट है उसका एंगल डिक्रीज होता है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन। तो मैंने आपको बताया था और इवन वीडियो भी दिखाई थी कि फ्लेक्शन है जिसके अंदर जो जॉइंट है उसका एंगल जो है वो क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वो मिड लाइन के पास लेके आते हैं हम अपने बॉडी ऑर्गन को। तो जब दो बोन्स पास में आती हैं तो एंगल जो है उस जॉइंट का डिक्रीज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा फ्लेक्शन। एक्सटेंशन में एंगल इंक्रीज होता है क्योंकि हम बॉडी ऑर्गन को या दो बोन्स को दूर ले जाते हैं। एबडक्शन होता है सेम मिड लाइन से दूर ले जाना और एडक्शन होता है पास लाना। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आज के बाद जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे मूवमेंट्स और बॉडी प्लेन्स से रिलेटेड तो आपको उसमें डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। For more visit. Nursing Booster makes you perfect.